हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज आपका डीएलएड का रिजल्ट आ चुका है, और जो 28 जुलाई आज की डेट थी, मैंने बताया था ना आपको 30 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और आ भी गया, तो ज़्यादा लेट नहीं करता है इसलिए इन्होंने जल्दी दे दिया। तो आपका देखो, रिजल्ट आने के बाद दो ही डाउट हो सकते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम में फेल हुए हैं या जिनमें चार एग्ज़ाम में जिनकी रीअपेयर आई है, तो उनको डीएलएड के करिकुलम जो आपका प्रस्पेक्टस आता है उसके अकॉर्डिंग फेल माना जाता है, जो चार सब्जेक्ट में कम मार्क्स लाते हैं। जो आपका क्राइटेरिया है कि एक्सटर्नल में जो आपके 75 मार्क्स होते हैं उसमें से आपको 27 या 25 लाने पड़ते हैं जो पासिंग मार्क्स होते हैं। जिन बच्चों के नहीं आ पाते उनको फेल या रीअपेयरिंग एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो पहला है कि जो चार सब्जेक्ट में फेल होते हैं उनको देना पड़ता है, रुकना पड़ता है डीएलएड सेकेंड ईयर में दोबारा से। जिसका चार से कम सब्जेक्ट में होता है फेल या जो भी कम मार्क्स से आए हैं उसको क्या करना है, 2 महीने या 1.5 महीने बाद आपको दोबारा से फॉर्म फिल करके आपका डेट शीट आएगी एग्ज़ाम की, फिर वहां पर आपको जाके सेंटर पे जाके ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो अगले साल आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद एग्ज़ाम होंगे। दूसरा है कि यही आपको बता रहा हूँ कि फेल स्टूडेंट वाले कोई घबराए मत, आपका एग्ज़ाम दोबारा से होगा। मगर तीन और चार सब्जेक्ट में कम फेल होते हो तब होगा आपका एग्ज़ाम। देखो, जिससे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था रिजल्ट की टाइम, ये दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास। ये एग्ज़ाम इज आफ्टर 2 मंथ फ्रॉम योर रिजल्ट, चाहे वो रीअपेयर एग्ज़ाम हो या डीएलएड वाले बच्चों के लिए हो। फिर नेक्स्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम के साथ आप दोगे जो चार में फेल है उनको 2023 के साथ देना पड़ेगा, मतलब जो इस साल दो सेकेंड ईयर में बच्चे उनके साथ आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम। तो यही है, इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ये बहुत ही कम बच्चे हैं जो फेल हुए हैं, बाय चांस एक दो बच्चे ही होंगे जो फेल हुएंगे, नहीं तो सबकी रीअपेयरिंग कुछ ज़्यादा बच्चों की आई होगी, जैसे 5% 10%। तो आप जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो साइट पे, जैसे मैंने आप पिछली वीडियो में अभी साइट बताया, और कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोई भी दिक्कत होता आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो रीअपेयर और फेल स्टूडेंट वालों के लिए जो डीएलएड और डीपीएससी में हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। छोटी सी वीडियो थी।